हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भर्ती रिगार्डिंग आज के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। चलिए जानते हैं महत्वपूर्ण अपडेट अभ्यर्थियों के रिगार्डिंग। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से एक नई विज्ञप्ति करके जारी किया गया है 222 पदों के रिगार्डिंग। इसमें यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर पदों की भर्ती है पुलिस विभाग के अंतर्गत, जिसमें उप निरीक्षक के पद, नागरिक पुलिस अभिसूचना, गुलम नायक PSC और IRB और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी परीक्षा 2024 इसके रिगार्डिंग है। तो द्वारा सूचित किया जाता है कि उप निरीक्षक जो पद है आपका परीक्षा 2024 के रिक्त 222 पदों हेतु विज्ञापन प्रकाशन आप देखते हैं 31 जनवरी 2024 के सापेक्ष से पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20 फरवरी 2024 तक आमंत्रित किए गए थे। प्रश्नगत परीक्षा हेतु शारीरिक नाप खोज और दक्षता परीक्षा का आयोजन 2 सितंबर 2024 से पुलिस विभाग द्वारा कराया जाना है। तो इसमें बताया गया कि शारीरिक नाप खोज और दक्षता परीक्षा की जो तिथि, इसमें परिवर्तन के संबंध में अभ्यर्थियों के द्वारा ईमेल, टेलीफोन पर आयोग से संपर्क किया जा रहा है। उक्त संबंध में अभ्यर्थी अपने शारीरिक नाप खोज एवं दक्षता परीक्षा हेतु आवंटित परीक्षा केंद्र से संपर्क करना सुनिश्चित करें। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार इस संबंध में जो है किसी भी प्रत्यर्पण पर विचार नहीं करेगा। तो आयोग विचार नहीं करेगा, अगर हो सकता है तो आप जो है जो परीक्षा केंद्र वहां पर आप कॉल कर सकते हैं, वहां पर पता कर सकते हैं, क्योंकि आयोग इस पर कोई भी प्रत्यर्पण नहीं करने वाला है, मतलब अपना विचार नहीं देने वाला है। आयोग ने साफ साफ कहा है, हो सकता है कि सेंटर वाले, क्योंकि पुलिस में क्या होता है कि सेंटर वाले जो एग्जाम सेट कराते हैं, फिजिकल एग्जाम कराते हैं पुलिस विभाग के अंतर्गत, वो जो है एक दिन लास्ट में जब सबका हो जाता है उसके बाद एक दिन सबको बुला लेते हैं सम्मिलित करके, वो हो सकता है। और फिजिकल अगर जिसको नहीं देना है या प्रत्यर्पण लगाना है तो आप जहां पर आपका सेंटर है वहां पर आप प्रत्यर्पण लगा सकते हैं, वहां पर ही आपको जो है प्रत्यर्पण करना पड़ेगा, आयोग में पता नहीं करना पड़ेगा, ये साफ साफ जो है आयोग ने लिखा है।